अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ ना एक चाउमीन बहुत ही यम्मी लगता है, सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है, हमें भी काफ़ी पसंद आती है, मुझे तो काफ़ी पसंद है नूडल्स। तो चलिए, इसकी रेसिपी काफ़ी आसान है, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊंगी। और इसमें ना मैं आपको एक बताने वाली हूँ कि आपकी नूडल्स चिपचिपी बनती है या फिर ओवर कुक हो जाती है, तो उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपके नूडल्स चिपके नहीं, इसके लिए ना आपको क्या करना है, आपको पानी डाल देनी है और उसके बाद ना एक चम्मच के करीब कोई सा भी ऑयल आप डाल दें, मस्टर्ड या फिर वेजिटेबल्स ऑयल आप डाल सकते हैं। और उसके बाद एक चम्मच ना आपको नमक डाल देना है। नमक डाल देने से ना आपका जो चाउमीन जब आप बनाएंगे तो उसमें ना अंदर तक फ्लेवर जाएगा, वो सॉल्टी सा। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 क्यूब्स ऑफ चाउमीन या नूडल्स। तो इसे ना क्या करना है कि इन्हें आप ना तोड़ कर नहीं डालें, तोड़ कर डालने से ना आपके जो नूडल्स है वो छोटी छोटे बनेंगे। तो इसे तोड़े नहीं और डायरेक्ट इस तरीके से आपको क्यूब्स डाल देनी है, तो इससे ना आपके नूडल्स काफ़ी अच्छे बनेंगे, नूडल्स काफ़ी अच्छे बनेंगे, चिपचिपे से नहीं बनेंगे, तो इन्हें तोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे बॉइलिंग आने लगी है। तो अब यहाँ पे ना ओवर कुक ना हो तो उसके लिए मैं अभी बताने वाली हूँ, लगभग 5 मिनट में ना ये बॉयल होने लगेगा। तो बॉयल होने के बाद ना इसे ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ देर के बाद मैंने यहाँ टोंग से इस तरीके से ना अलग अलग कर लिया है। तो अब यहाँ ना मैं यहाँ पे थिन चाउमीन लिया है मैंने, आप मोटे नूडल्स से भी बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, आप इस तरीके से यहाँ जो इस बॉइलिंग पॉइंट पे आपको चेक करके देख लेना है, वरना अगर ज़्यादा अगर इसमें आपको फ्रोदीनेस आएंगे ना इसमें, तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपका ओवर कुक हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने तोड़ कर देखा, काफ़ी अच्छे तरीके से टूट रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं गला होना चाहिए। तो हम यहाँ हमारा जो नूडल्स हैं वो बॉइल हो चुका है अभी नहीं, स्ट्रेनर की मदद से हम यहाँ स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसका सारा पानी आप उसे बहा दें, क्योंकि ना आपका पानी अगर इसमें रह जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चाउमीन बना रहे हैं तो इसलिए हमें एक को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजेस डाला है और एक अंडा मैं डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा अंडा डालना है तो आप वहाँ ज़्यादा एग को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वेजेस डाला है और उसके बाद ना एक अंडा लिया है और उसे डायरेक्ट मैं इसे तोड़ कर इसमें डालने वाली हूँ। तो हल्का सा ही सौते करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे एक अंडा डाल रही हूँ, अंडे को कुछ फेट कर नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल देना है, डायरेक्ट डाल के और उसे ना स्पैचुला की मदद से आप इन्हें चलाते रहें, चलाने के बाद इसे इस तरीके से ना फैला दें। फैलाने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक भुर्जी सा बन गया है, इन्हें साइड कर ले और इसे बाद की यूज़ के लिए हम रख लेंगे। फिर से हम पैन चढ़ाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और डायरेक्ट मैं इसमें कुछ चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब यहाँ हरा मटर का सीज़न है तो अब मटर थोड़ी सी डाल दें। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से फ़र्क आ रहा है, तो ये चिपके नहीं है, अब डाल दें इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ वेजेस क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि वेजेस मैंने ना बाद के लिए रखा है, क्योंकि मुझे ना बाद मतलब जब वेजिटेबल्स मैं जब भी आप चाउमीन या फिर फ्राइड राइस में डालते हैं तो मुझे क्रंचीनेस काफ़ी अच्छा लगता है वेजेस को, इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। अगर आपको पहले डालना है तो पहले भी डाल सकते हैं, बट वो सॉफ्ट हो जाती है ना तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर बाद में डालने वाली हूँ। तो यहाँ में हमारा नूडल्स मैंने थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया है और अब हम यहाँ पर कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, आपकी जो मर्जी आप इसमें डाल सकते हैं, टोमेटो, ग्रीन चिली या फिर रेड चिली, आप जो भी डालना चाहते डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला लगभग 1 चम्मच के मुताबिक। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस से ना टेस्ट तो अच्छा आता ही है, वरना कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप इसमें 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है। मैं यहाँ पे टोमेटो केचप का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है उतना, तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ। और उसके लास्ट में मैं सेज़वान सॉस डालूँगी, लेकिन अभी नहीं क्योंकि ये बच्चे भी खाने वाले हैं, क्योंकि सेज़वान ज़्यादा ही तीखा होता है, इसलिए मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पर इस फेज़ में ना मैं डाल रही हूँ वेजेस, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पतली पतली लंबी लंबी कटी हुई तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ मसाला मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप क्या डालना है, मैगी मसाला में थोड़ी सी लगभग 1/2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल रही हूँ, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है ना तो भुना जीरा का पाउडर डाल दे, काफ़ी अच्छा हो जाता है, या फिर धनिया का पाउडर डाल दे, बहुत ही अच्छा लगता है चाउमीन में। उसके बाद ना इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर ले।
मिक्स करें। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो नूडल्स है ना, काफ़ी अच्छी तरीके से फर्क है, बहुत ही अच्छी तरीके से फर्क, मतलब ये चिपका चिपका सा नहीं है, गला हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप खाएं, इसे दूसरों को खिलाएं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसे आप प्लेटिंग कर ले और सेजवान सॉस के साथ ना आप इसे खाएं, बहुत ही यमी लगेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको लगेगा। आप खा के देखें, अगर इसमें आप चिकन ऐड करना चाहते हैं तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल में मेरे ये वे चल रहा है 5000 सब्सक्राइबर मुझे रीच करना है। जिस दिन मुझे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं उस दिन 8 विनर्स को अनाउंस करूंगी और उसके बाद उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट्स मैं उन्हें भेजने वाली हूँ। तो आप आ जाएं और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, किसी हॉल वीडियो या फिर रेसिपी या फिर फूड व्लॉगिंग या फिर व्लॉगिंग लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलने वाला है। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।